अब हम देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। अभी हमने यहाँ पे फार्मूला ड्राइव किया था या फार्मूला लिखा था, ड्राइव तो हमने नहीं किया है ऑब्वियसली, ये फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पर भी कॉपी कर लिया है। फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम प्रोडक्शन को इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल में ये एग्जांपल मौजूद है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। और सबसे पहले हम ई जनरेट करता है ई प्लस टी और टी, ये वाली प्रोडक्शन लेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इस ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में है जो कि हमारे पास ऊपर मौजूद है। यहाँ पर ए दे रहा है ए अल्फा, तो यहाँ पे ई दे रहा है ई, दिस थिंग इज अल्फा। यही हमने कहा था कि पहले नॉन टर्मिनल के बाद जितना कुछ भी बच जाएगा वो सारा का सारा अल्फा होगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो चीज़ हम बीटा कंसिडर करेंगे। ये ऐसे ही हमने एनोटेट कर लिया है एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मेट में लिखूँगी इसको, तो किस तरह से लिखा जा सकता है कि ए जनरेट करेगा बीटा ए डैश, यानी कि ई जनरेट करेगा बीटा यानी कि टी ए डैश यानी कि टी ई डैश, और ई डैश एक नई सिंबल मैंने ऐड की है, यानी एक नया नॉन टर्मिनल ऐड किया है जिसको मैं लिखूंगी अल्फा ए डैश। यहाँ हम फॉर्मूले को बार बार रेफर कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ अल्फा क्या है, प्लस टी ई डैश, ए डैश नहीं हमारे पास क्योंकि ई डैश है, तो हम ई डैश लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये ई ई प्लस टी और टी, ये दो प्रोडक्शंस हैं याद रखें, ये दरमियान में पाइप साइन है। तो ई हमें देता है टी ई डैश और ई डैश देता है प्लस टी ई डैश एप्सिलॉन। इसी तरीके से हम ये सेकेंड प्रोडक्शन को भी कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के लिए सिर्फ उन्हीं प्रोडक्शंस पर अप्लाई करते हैं जिन प्रोडक्शंस में लेफ्ट रिकर्जन पाई जाती है, किसी और प्रोडक्शन को हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो टी को करने के लिए हम एक टी डैश नई सिंबल ऐड करेंगे और टी मुझे देगा, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो टी इज़ एफ टी डैश, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा ए डैश तो एफ टी डैश, और टी डैश हमें देता है अल्फा ए डैश यानी के स्टेरिक एफ टी डैश और एप्सिलॉन। बाकी इस प्रोडक्शन को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, एफ की कोई भी प्रोडक्शन जो है उसमें लेफ्ट रिकर्जन मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो जो हमारी नई प्रोडक्शंस हैं वो ए बी सी डी और ये हमारी नई ग्रामर है जो कि हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने बात कर ली लेफ्ट रिकर्जन की, और इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट को और इस चीज़ को याद कर लें। फार्मूला कह रही हूँ मैं इसको, ऑल्दो ये फार्मूला नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप याद कर लें और बस जब आपके पास कोई भी प्रोडक्शन आए चेंज करने के लिए तो आप उस प्रोडक्शन को इसी फॉर्मेट में लिखें और यही कन्वर्ट कर दीजिए, इस वाले फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए जिस तरीके से हमने अभी किया है, एंड दैट्स इट, यू आर डन विद लेफ्ट रिमूविंग विद यू आर डन रिमूविंग विद लेफ्ट रिकर्जन, ओके। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होती है और उसको रिमूव कैसे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।